हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में और एक और बहुत बड़ा अपडेट है आप सबके लिए। जैसा कि आप इंतज़ार कर रहे थे कब CUET का आंसर किया गया, कब रिजल्ट आएगा, तो देखो फाइनली अभी आपका फाइनल आंसर की रिलीज हो चुका है। इसका मतलब है कि आपका जल्दी रिजल्ट आने वाला है। अब जैसे फाइनल आंसर की आ गया, तो इसके बाद आपको क्या करना है, कैसे रिजल्ट आपको पता चलेगा, कब काउंसलिंग स्टार्ट होगा, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लास्ट तक देखो आपको कैसे देखना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना, क्योंकि ये बड़ा अपडेट इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग इंतजार कर रहे थे, पेरेंट्स प्रेशर दे रहे थे, सब कुछ आपके ऊपर हुआ था। तो देखो ये दोनों एग्जाम्स के लिए आपका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एग्जाम हुआ था, जो आपका एग्जाम ऑफलाइन हुआ था और कुछ एग्जाम आपका ऑनलाइन हुआ, दोनों का फाइनल आंसर किए इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें आपका जो पेपर था वो पेपर यहाँ पर दिया हुआ, जैसे देखो आसाम ये सब्जेक्ट वाला पेपर है, तो यहाँ पर आप नीचे जाएंगे जो भी आपका रिस्पेक्टेड पेपर होगा, जैसे कि यहाँ पे है आपने अगर फिजिकल एजुकेशन दिया हो, या आपने यहाँ पे आप अपना देख सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री, जैसे मैथमेटिक्स का ये दिया हुआ है तो मैथमेटिक्स का ये है। इसमें डेट मेंशन है देखो 19 का है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप अपना चेकआउट होने वाला, रिजल्ट कब आने वाला है आपका, रिजल्ट जो अभी फाइनल आंसर किया है तो मोस्ट प्रोबेबली एक से दो दिन के अंदर में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी अब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे कि अब मैंने आपको 25 के अराउंड बताया, तो देखो 25 तक तो फाइनल आंसर किया गया, अगर एक दो दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा सो अभी आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो आपका दोनों टाइप से काउंसलिंग होगा, CUET वालों का अलग काउंसलिंग होगा, ICER वालों का अलग काउंसलिंग होगा। ICER वाले जैसे ही CUET का स्कोर कार्ड रिलीज होता है उसके बाद में ICER के मेल का वेट करेंगे, जो कि 10 से 15 दिन के अंदर में आएगा, और CUET वाले अपना जो भी CUET से रिलेटेड यूनिवर्सिटी उनके लिए अप्लाई करेंगे। तो कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना वो सब कुछ मैं बताऊंगा, और ICER के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए भी गाइड करूंगा। और जिन स्टूडेंट को काउंसलिंग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है वो मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 599 फी है, आप देख सकते हो पूरे यूट्यूब में सबसे कम फी है। अगर आप स्कोर कार्ड आने से पहले इसको ज्वाइन कर लेते हो तो आपका ओनली 599 आपको पे करना होगा, उसके बाद में आप इसका फी इंक्रीज होकर 999 हो जाएगा। इसके अंदर मैं आपको केवल ICER के काउंसलिंग के नहीं, इसमें ICER काउंसलिंग, CUET काउंसलिंग, डायरेक्ट एडमिशन, कॉलेज लेवल काउंसलिंग, सब कुछ मैं इसमें गाइड करूंगा। इसमें आपका जो करूंगा कि इसमें काउंसलिंग प्रोसेस में कौन कौन से चॉइस फिलिंग आपको करना है, बेस्ट चॉइस फिलिंग आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेल्प करूंगा, आप कभी भी मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। जब आपका एडमिशन हो जाएगा जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा वहाँ भी आपका मैं कॉन्टैक्ट कराऊंगा, और वहाँ भी आपका स्टूडेंट हेल्प करेगा। इसमें आपको मैं गूगल मीट के थ्रू भी गाइड करता हूँ, उसके साथ साथ मेरा इसमें काउंसलिंग का पेड काउंसलिंग का ग्रुप भी है, तो उसमें ग्रुप के थ्रू भी आपका जो भी अपडेट होती है वो सब बताता हूँ। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको जो QR कोड दिख रहा है इसको आपको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद में अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पे सेंड करना है। तो ये था मेरे काउंसलिंग के बारे में, आई होप आपको समझ आया होगा। ये मेरे कुछ काउंसलिंग के रिव्यूज़ हैं जो लास्ट ईयर के हैं, आप इनको भी देख सकते हो, इनको रीड कर सकते हो पॉज करके, ठीक है ना। सो आई होप आपको जो बताया वो समझ आएगा। फिर भी आपका कोई डाउट बचता है, कुछ भी डाउट बचता है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मैं आपका पूरा कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड टू द स्टडी एटिक।